बिग बॉस के घर के अंदर एक खतरनाक फाइट देखने को मिलने वाली है। जी हाँ, और इस फाइट के अंदर विवियन और श्रुतिका ये दोनों इंक्लूड हैं और बाकी घर वाले पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं इस फाइट के अंदर, लेकिन मेन और श्रुतिका भैया काफ़ी फाड़ के रख देगी भैया। जो उसके पॉइंट्स हैं मेरे को लगता है काफ़ी सही हैं, बट बाकी आप गैस करेंगे कौन सही है कौन नहीं, विवियन सही है श्रुतिका, और इन दोनों के बीच में क्या बातें हुई हैं और काफ़ी बुरे तरीके से झाड़ा है और एक ओरा सा दिखा दिया है श्रुतिका ने कि भैया उसके आगे आपको बोलना नहीं चाहिए, वो आपका सारा कच्चा चीठा और आपको एक्सपोज कर देगी, ऐसा देखने को मिला है जैसे कि विवियन के साथ ये सीन होने वाला है। तो बेसिकली फाइट ये होती है कि इनकी कोई कप वगैरह को लेकर थोड़ी बहुत आर्ग्यूमेंट हुई थी वीकेंड का वार से पहले, लेकिन वीकेंड का वार के ऊपर कप को लेकर वापस इनके बीच में वही आर्ग्यूमेंट शुरू हो जाते हैं, जहाँ पर विवियन कहते हैं कि ये भैया 1-1.5 घंटा तो पहले बात को घुमाएगी कि ये था वो था, और उसके बाद मुद्दे की बात पे आएगी, और एक कप की बात को लेकर यार इतना ज़्यादा क्यों खींचती है। और जिसके बाद श्रुतिका कहती है कि मैंने तो पॉइंट रखा था घुमाई जाओ, और विवियन कहते नहीं तुमने पॉइंट तो लास्ट में रखती हो, 1-1.5 घंटा तो पहले घुमाती हो तुम बातों को। एंड जिसके बाद में श्रुतिका कहती है कि मेन बात ये भी है कि आपको सुनना पसंद नहीं है, आप सुनते हो सिर्फ सिलेक्टिव लोगों की, और जिसको अगर आपको पसंद है उन्हीं से ही बात करते हो, और जो आपको पसंद नहीं है उनसे आप मिलना भी नहीं चाहते। लेकिन ये बिग बॉस का घर है, यहाँ पर अगर आपको नहीं बातें सुननी है तो कुछ बोलो भी मत हमें। एंड जिसके बाद विवियन कहते हैं मैं बोलूँगा और सुनूंगा मैं उनकी, जो मेरी सुनेंगे अच्छे से और जो अच्छे से मेरे से बात करेंगे उनका लहजा अच्छा होगा उनकी मैं बातें सुनूंगा, जो कि ये काफ़ी बार बोल चुके। लेकिन जिसके बाद श्रुतिका कहती है ऐसा नहीं है, हम जितना भी अच्छा लहजा रख लें आपने बात अच्छे से नहीं करनी है, बस अपने सेलेक्टिव लोगों के साथ ही आपको इन्जॉय करना है, बातें करनी है, उनकी बातें शायद उनकी भी नहीं सुनते होंगे लेकिन वो शायद वो आपकी सुन के रख लेते होंगे, लेकिन यहाँ मेरा ऐसा नहीं है। और जिसके बाद कप को लेकर कहते हैं कि यार कप को लेकर तुमने इतना बवाल किया, जिसके बाद श्रुतिका कहती है बात कप की नहीं थी, बात उस मैटर की थी जो शायद अभी तक आप समझे नहीं है और मेरे ख्याल से आपको समझ भी नहीं आएगा, अपनी आपकी अंडरस्टैंडिंग पावर काफ़ी कम है। जिसके बाद विवियन कहते हैं मेरी अंडरस्टैंडिंग पावर काफ़ी अच्छी है, जिसके बाद श्रुतिका इंग्लिश के अंदर काफ़ी बुरी तरीके से झाड़ती हुई नजर आएंगी विवियन को और कहेंगी कि भैया तुम रहने दो तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम नहीं समझ सकते क्या बात है, मैं कह रही हूँ कप को लेकर तो एक हेडलाइन थी कब तो, लेकिन उसके अलावा मैंने आपको काफ़ी कुछ समझाया लेकिन आपको कुछ समझ नहीं आया और आप अंडरस्टैंड करना भी नहीं चाहते और मैं अब आपको करवाना भी नहीं चाहती, जैसे आप रहना चाहते हो रहो, मैं सोचती थी कि चलो ठीक है समझाने का ट्राई करती हूँ लेकिन आप नहीं समझ पाओगे मेरे ख्याल से, तो छोड़ो अब इस बात को। जी ऐसा कुछ इन दोनों के बीच में होने वाला है, आपको कौन लगता है सही विवियन या श्रुतिका प्लीज़ कमेंट में बताना, और भी इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए चैनल पर बने रहें, सब्सक्राइब कर लें।